गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ लेवल 8 फाल्कन हाउस ग्रामर स्कूल कैंपस 9. दिस इज़ सर मार्शल हियर एंड टुडे वी आर बेसिकली गोइंग टू बी एंडिंग द चैप्टर दैट वी आर करंटली डूइंग. ओके, द चैप्टर दैट यू मस्ट रिमेंबर इज टू वॉट एक्सटेंट उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. Now this is chapter number 5. Now we have already done Urdu, Sindhi and Balochi, and today we're basically going to be doing the Punjabi language. Okay, so let's read about Punjabi language. As you can probably see in the video as well, you can see a picture of Punjabi language. This is the page number of your book, page number 44. You can read it from here. So what was Punjabi language and what significance does Punjabi language have? Now we are told that the Punjabi language is the most widely spoken language in Pakistan, as it is spoken in the most populated province of Pakistan, such as which is basically Punjab, but it's also spoken in other provinces such as Azad Kashmir, Khyber Pakhtunkhwa. Okay, now we are told that it is called by other names as well, such as Al-Hindi, Hindko, Masudi. And about the history, we are told that Hafiz Barkhurdar was the first person to have used the term Punjabi to describe this language in 1080. So that's like 10 centuries back, more than 10 centuries back. Now, Punjabi has a long history. Okay, it was originally written in Gurmukhi script. Gurmukhi script basically क्या? Gurmukhi language में लिखी जाती, जैसे हम उर्दू अभी जो है वो अरबिक में लिखी जाती है ना, इस तरीके से जो पंजाबी लैंग्वेज थी शुरू में वो गुरमुखी में लिखी जाती थी. गुरमुखी एक कोई डिफरेंट सी लैंग्वेज होगी जो अब इतनी मेरे ख्याल से शायद एग्जिस्ट नहीं करती होगी. बाद में बताते जो मुगलों के ज़माने में इसको जो है ना फिर अरबिक लैंग्वेज में फिर पंजाबी लैंग्वेज को लिखना शुरू कर दिया था. तो अभी जो है वो बेसिकली अरबिक लैंग्वेज में. नाउ वी आर टोल्ड कि पंजाबी लैंग्वेज किन किन ज़बानों से इन्फ्लुएंस हुई हुई. वेल, ये इन्फ्लुएंस हुई हुई है बहुत सारी ज़बानों से, सच एज पर्शियन, अरबिक, हिंदी, तुर्किश, इंग्लिश. इनफैक्ट बताया जाता है कि जो वेस्टर्न पंजाब है वहाँ जो पंजाबी लैंग्वेज है वो सिंधी और पश्तो से भी इन्फ्लुएंस्ड है. नाउ वी आर टोल्ड अबाउट द फोक लिटरेचर. फोक लिटरेचर पंजाब में आपको बहुत, पंजाबी लैंग्वेज में आपको बहुत मिलेगा. आप बहुत सारी फेमस फोक स्टोरीज़ हैं पंजाबी लैंग्वेज है. हीर रांझा, सोड़ी महवाल, सची पुन्नो, ये सारी की सारी जो है वो फोक लिटरेचर में आपको पंजाबी लैंग्वेज में मिलती हैं. उसके अलावा मिस्टिकल लिटरेचर जो है ना, सॉरी मिस्टिक लिटरेचर जो सूफीज़म है वो आपको पंजाबी लैंग्वेज में बहुत मिलेगा, क्योंकि बहुत से मशहूर राइटर्स इधर गुजरे हैं, सच एज बाबा फरीद गंज शकर, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, ये सारे के सारे जो है ना सूफी कलाम लिखते थे पंजाबी लैंग्वेज, जिससे पंजाबी लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है. फिर बताया जाता है 20th सेंचुरी के बिगनिंग से जो है बहुत सारी नावल, शॉर्ट स्टोरीज़, अफसाने वगैरह जो है ना वो लिखे गए. इनफैक्ट बहुत सारे फील्ड्स के अंदर भी जो है ना किताबें पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई, सच एज लॉ, मेडिसिन, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, बहुत सारी इस तरीके की ज़बानें. पंजाबी पोइट्री को भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता 20th सेंचुरी के बाद इसके ऊपर बहुत काम हुआ एंड इट बेसिकली डिड वेरी वेल. बताया जाता है कि कुरान शरीफ को फिर पंजाबी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया था, और किसी भी लैंग्वेज के लिए बड़ी सिग्निफिकेंस की बात होती है जब इसको कुरान में जो है ना कन्वर्ट किया जाए. इसके अलावा बहुत सारे लोग उस लैंग्वेज में जो है ना लोग पढ़ते हैं तभी कुरान शरीफ को उसमें कन्वर्ट किया जाता है. सो उस मोहम्मद अली फाइक बेसिकली वॉज अ पर्सन हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन पंजाबी. उसके अलावा मशहूर जो है वो पंजाबी राइटिंग में राइटर्स गुजरे हैं जैसे मुनीर नियाजी, शरीफ कुंजाही, अहमद राही, उस्ताद दामिनी, सब ने जो है ना बहुत सारा लिटरेचर लिखा है पंजाबी ज़बान के अंदर, जिससे जो है ना पंजाबी ज़बान को अहमियत मिली है. पाकिस्तान बनने के बाद वी आर टोल्ड कि पंजाबी लैंग्वेज में मज़ीद इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री भी इनकी बड़ी मशहूर थी, राइटर्स भी इनके बहुत गुजरे. पंजाब यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. उधर बताया जाता है कि पंजाबी लिटरेचर में एमए लेवल तक जो है ना वो पढ़ाया जाता है, और जो एमए लेवल की आपको डिग्री मिलती है. तो इट जस्ट शोज़ द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस दैट पंजाबी लैंग्वेज हैज़ इन पाकिस्तान. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी आर गोना टॉक अबाउट पश्तो. नाउ पश्तो इज़ द लास्ट लैंग्वेज दैट वी आर गोना बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. द पश्तो इज़ बेसिकली स्पोकन इन बाय द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. ठीक है, उसके अलावा जो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ बलोचिस्तान है उधर भी पश्तो लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल की जाती है, उस ज़बान में बात की जाती है. ना हमें बताया गया कि जो पश्तो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अरबिक से, पर्शियन से और ग्रीक से, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, बट ग्रीक लैंग्वेज से भी जो है ना बहुत हद तक इन्फ्लुएंस्ड है. ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ पश्तो लिटरेचर के बारे में बताया जाता है कि तीन पीरियड्स में जो है डिवाइड की जा सकती है। जो सबसे पहला पीरियड था वो था सेकेंड से लेकर 13th सेंचुरी तक। इस दौरान हमें बताते हैं कि जो पहला पश्तो पोइट था उसका नाम था अमीर खान पहलवान, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस पोइट था उसका नाम था बयाज़िद अंसारी। उनकी किताब थी खैरुल बयान, वो सूफीज़म के ऊपर जो है ना बताया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली पहली किताब थी पश्तो लिटरेचर के अंदर, ठीक है। सेकंड पीरियड बताया जाता है मुगल इन्वेजन से शुरू होता है इंडिया में, ठीक है ना। इस और ये तकरीबन एक साल तक रहता है। बताया जाता है कि इस दौरान पश्तो लैंग्वेज जो है ना इंतहाई पीक पे गई थी, ठीक है ना, अपने पीक पे चली गई थी, क्योंकि इसी दौरान जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पश्तो लिटरेचर के अंदर काम हुआ था। ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स जो इसमें गुजरे थे उनका नाम था हज़रत मियाँ उमर, सादत अली खान, आमिर मोहम्मद अंसारी। जो तीसरा पीरियड है वो बेसिकली जब ब्रिटिश रूल आया तब उसको जो है ना उस तीसरे पीरियड में तीसरा पीरियड उस दौरान उसको कहा जाता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन रूल ऑफ पश्तो लिटरेचर। क्यों? क्योंकि इस ज़माने बहुत ही हाई क्वालिटी राइटिंग प्रोड्यूस की गई थी। फेमस राइटर्स सच इज़ आखुंद दर्दीज़ा, खुशहाल खान खट्टक, हु वाज़ आल्सो फ्रीडम राइटर, फ्रीडम फाइटर भी थे और इसके लिए फ्रीडम के लिए वो लिखते भी थे। इन सब ने जो है और इसके साथ साथ सूफी पोइट एक थे रहमान बाबा, इन सब जो है ना पश्तो लिटरेचर के अंदर बेहतरीन जो है ना वर्क प्रोड्यूस किया है। अब बताया जाता है कि पश्तो लिटरेचर ने आज़ादी के लिए कितनी अहमियत की हामिल थी। बताया जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। क्यों? साहिबजादा अब्दुल कयूम वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उन्होंने पाकिस्तान बनने में जो है ना बहुत अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी है। तो उन्होंने बताया कि बताते हैं कि इन्होंने जो ना पॉलिटिकल अवेयरनेस नॉर्दर्न एरियाज़ में खैबर पख्तूनख्वा में इन सब में जो है ना बहुत फैलाई थी। और इन्होंने बेसिकली ही वॉज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सेटिंग अप इस्लामिया कॉलेज इन पेशावर। और इस्लामिया कॉलेज में जो है ना ये एक फ्रीडम मूवमेंट उधर बनी थी, फिर पश्तो लिटरेचर के थ्रू जो है ना लोगों में यूनिटी पैदा करते थे और उससे जो है ना पॉलिटिकल अवेयरनेस उनको दिलाते थे कि उनको पाकिस्तान के बनने में जो है ना उनको सपोर्ट करनी चाहिए पाकिस्तान बनने में। तो इस हवाले से भी पश्तो लिटरेचर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि उसने फ्रीडम के लिए जो है ना उसको फ्रीडम के लिए उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है पाकिस्तान बनने के तीन साल बाद पेशावर यूनिवर्सिटी बना दी गई थी, ठीक है ना, विच पश्तो लिटरेचर को इम्प्रूव किया गया था। इनका बकायदा डिपार्टमेंट भी बनाया गया था इन 1954। अकेडमी बताते मौलाना अब्दुल कादिर जो है वो चलाते थे। और इसी दौरान पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस इन पश्तो लिटरेचर जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे भी केपी में अब आ चुकी हैं। तो ये ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस जो थी उन सब की जो है ना सिग्निफिकेंस बताती है पाकिस्तान में ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी कंसर्न यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।